हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और अभी भी नोनी सिर्फ उठी है, सो के अभी नोनी ने अभी उठने के बाद पिया है दूध और मैंने पी है चाय। और जो भी मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो सारे मैंने अभी फोल्ड करके रखे हैं और 5 बज चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा नोनी को भी घुमा के ले आऊँगी, क्योंकि ये पूरा दिन घर के अंदर बंद रहती है ना, तो बोर हो जाती है। तो अभी हम लोग जाएंगे 1 घंटे के लिए बाहर घूमने के लिए। और मेरे को ना थोड़ा सा सामान भी लेकर आना है अपना करवा चौथ का, मतलब साड़ी की चूड़ियाँ मैच करके लेकर आनी है, जो कि वो मेरे को मिली नहीं थी। मैं मार्केट में कल रात को गई थी लेकिन वो सेम मैचिंग में नहीं मिली थी। तो यहीं पर एक शॉप है पास में जहाँ पर मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए रोज, तो वहीं पर मैंने देखी है, तो वहीं से लेकर आऊँगी मैं अभी उसके साथ, मतलब मैचिंग का कुछ कपड़ा ले लेती हूँ और फिर चलते हैं दूध लेने के लिए और साथ में फिर मैचिंग टीवी कर देते हैं बंद। अभी देखो नोनी को देखो, इसका अलग ही स्वैग चल रहा होता है। हाय कर दो, हाय ऐसे, हाय से, ये हेड कहाँ से आया? ऐसे ऐसे कोई करता है? ऐसे कोई करता है? जो माँ जी ने चेन दी थी आपकी काली हो गई, चांदी की चेन नहीं, ये देखो ना ऐसी नकली लग रही है, बिल्कुल नकली लग रही है। नहीं है तो चांदी की, पर नकली लग रही है ये तो बेटा। हाँ कि माँ जी ने ना इसको चेन दी थी, ये देखो कैसी हो गई है, बिल्कुल काली हो गई है, ऐसी लग रही है जैसे नकली पहन रखी हो। क्या हो गया, क्या हुआ नोनू? मैं इसको बोलूंगी कि बाहर जाना है, बाहर चले घूमने, चले चलो उठो जल्दी चलो, मैं जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ के जाऊँ? जाऊँ मैं आपको छोड़ के? बाय अनु, बाय। देखो देखो तुरंत हो गई, उठ गई उठ गई, चले चले चलो चलो, सभी चलते हैं बाहर दूध लेने के लिए। आके फिर खाने वाले की तैयारी करेंगे, क्योंकि शाम को जल्दी खाना बनाना होता है, क्योंकि हम लोग ना जल्दी खा लेते हैं, 7-7:30 बजे तक खाना वाना खा के निपटा के अपना काम, 8-8:30 बजे तक दूध पी के आराम से अपना लेट जाते हैं। जितना जल्दी खाना खाएंगे उतना जल्दी पच भी जाते हैं, इसलिए हम लोग ना जल्दी खा लेते हैं खाना। तो दूध का बर्तन ले लिया मैंने और लॉक वगैरह भी लगा देती हूँ। बाहर का मौसम आज कुछ ऐसा हो रखा है, चलिए गाइस चलते हैं अब बाहर। लॉक मैंने कर दिया है, इधर का लाइट वगैरह सारी बंद कर देती हूँ। नोनी कहाँ गई बेटा? आप चलना नहीं है? आपको चलना नहीं है? चलो बाहर ना कुछ काम चल रहा है किसी के घर पे ना, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसी आ रही है आवाज, किसी के यहाँ ना पत्थर घिसाई का काम हो रहा है तो आवाज ना साफ नहीं आ रही है इधर से। सैंडल पहनो, जल्दी आओ ना मम्मा के पास, जल्दी आओ, ये लो जल्दी पहनो। सोनी हो गई है तैयार, चले चलो ले लो इसको, चलो लेके आराम से ये लो, चलो चलो चले। मैं चप्पल पहन लूं फिर चल रहे हैं, चप्पल पहन लो बाहर की, चल रही हूँ मैं। हाँ चलो। तो गाइस आज दूध लेके आने में हो गया है लेट और अभी टाइम हो चुका है 6:30 और हम लोग गए थे 5 बजे। आज दूध लेट इसलिए हो गया है क्योंकि दूध आया नहीं था और जब तक हम गए तो दूध ख़त्म भी हो चुका था, तो हमें वहाँ पे 1/2 घंटा बैठना पड़ा। और मतलब ये हो गया 5 बजे हम यहाँ से गए थे और 1/2 घंटा हम लोगों को आने में लग गया, क्योंकि नोनी चलती नहीं है, बिल्कुल गोद में ही जाती है। आपने पानी नहीं पिया? ये लो थर्मस कहाँ है आपका? ये रहा ये लो,
बेटा वो तो टूटा हुआ थर्मस है, ये ले लो आप पी लो पानी। गाइस आज हो गए हैं थोड़ा सा लेट काम करने में, क्योंकि आज दूध लेट मिला था, तो दूध मतलब अभी मैंने गर्म करने के लिए दूध रख दिया है यहाँ पे इंडक्शन पे। जब तक पहले कर लेती हूँ पूजा और इधर की लाइट ऑन कर देती हूँ। करो जय, चलो आरती करो, करो आरती। हो गई, लाओ मैं कर लूँ अब, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ अब। और यहाँ हमारा दूध भी गर्म होने वाला है, थोड़ा सा इसको तेज कर देते हैं। बनाऊंगी मसूरी की दाल। दूध हो गया गरम और इधर मैंने दाल चढ़ा दी है उबलने के लिए, और इस दूध को ना ढक देती हूँ जब तक ना ठंडा हो जाएगा। नोनी आओ अंदर बेटा, नहीं। आओ ना जल्दी, आओ मम्मा के पास, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सुना नहीं आपने, आओ जल्दी। लहसुन काट लिया है दाल में तड़का लगाने के लिए, और उधर इसकी बीन बजी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों रोई जा रही है, क्या हो गया, क्यों क्यों गुस्सा में है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, ये देखो शक्ल काली हो रही है। नहीं रोना नहीं है बेटा, रोई रोई क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अच्छा चलो उठ, खड़े हो जल्दी जल्दी उठो, ए उठो 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 जल्दी, वो शैतान हो गई नूनी है। चलो अब दाल में लगाते हैं फटाफट से तड़का, लहसुन, ये मसाला दानी, और ये नोनी का बचा हुआ रखा हुआ है दूध, और ये इसने नमकीन छोड़ी हुई है। मच्छर, इतने मच्छर है ना, तो दाल को कटोरे में कर लेते हैं ट्रांसफर और फिर इसी कुकर में लगा देते हैं तड़का। बेटा लाइटर दो, लाइटर दो, लाइटर नहीं छेड़ना बेटा, लाइटर नहीं छेड़ना, मम्मा दाल बना रही है ना। हाँ दाल में भी तड़का लगा दिया है, और अब कर लेते हैं बर्तन साफ, जब तक दाल अच्छे से उबल जाएगी तो ये बर्तन साफ कर लेते हैं जब तक। और एक बार नोनी को भी देख लेते हैं वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये खा रही है नमकीन और पानी का थर्मस और नमकीन, क्या खा रहा है नोनू, नमकीन खा रहे हो? नहीं, नहीं? और ये क्या है, ये नमकीन ही तो है बेटा, और क्या खा रहे हो आप? नहीं बता रही है, नहीं, शैतान बहुत हो गई है भाई, बहुत शैतानी करती है, बहुत शैतानी, और पानी तो मिनट मिनट में पीती है पानी, तो एक थर्मस तो इसने तोड़ दिया, इसका दूसरा थर्मस लेकर आई हूँ, ये कह रही है मेरे बारे में मत बताओ, देख लो क्या कह रही है, मेरे बारे में मत बताओ, नहीं इसके बारे में कोई बात ही मत करो। इस दाल भी मैंने बना दी है, दाल भी मैंने बंद कर दिया, अभी उबल गई है, बस अभी रोटियां बनानी बाकी है, नोनी लगी हुई है अभी यहाँ पे। क्या हो गया बेटा, मिर्ची चली गई, मिर्ची चली गई थी ना मुंह में, पानी पी लो, लो जल्दी लो पानी पी लो पानी।
चबाती नहीं है, ऐसे ही गटकने की कोशिश करती है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बीज नहीं, जरा सा भी नहीं चबाने की कोशिश करती। भाई मैं चबा लूं थोड़ा बहुत। चलो दाल तो बन गई है भाई, तो आप बना लेती हूँ मैं, आटा गूंथ के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर रोटियां बना लूंगी और नोनी को खिला दूंगी जब तक ये आएंगे, क्योंकि आज ये फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा है बाहर, क्योंकि करवा चौथ का टाइम है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। मैं भी जब शाम को गई थी ना, बहुत ज्यादा अंदर की गलियों में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, जो इधर का रास्ता है ना उधर से निकल निकल के इधर के रास्ते से अंदर से निकल के लोग जा रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां वगैरह बहुत सारी जा रही थी इधर से, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जब तक त्योहार का टाइम रहेगा तो इतना ही ट्रैफिक रहेगा, और यहाँ पे दिल्ली में तो ट्रैफिक का नाम पूछो ही मत कि कितना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, तो नाम ही ट्रैफिक है दिल्ली में, तो इतना ट्रैफिक रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। कल रात को हम लोग भी मार्केट में गए थे, अपनी बुलेट को हम दूसरी साइड पार्क करके तब हम गए थे पैदल पैदल मार्केट में। अगर मतलब ये सोचो अगर बाइक को अंदर लेके जाना पड़ जाता ना, तो हम लोग एक घंटे से पहले बाहर नहीं आ पाते, और हमारा काम सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, तो वो हम इसलिए हमने सोचा कि हम पैदल ही चले जाते हैं इससे अच्छा, तो क्योंकि अगर हम उसमें जाते ना तो बाइक से जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हम पैदल ही चले गए। और इतना ज़्यादा रश था मार्केट में, इतना ज़्यादा भीड़ जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे को 2-3 सामान लेने थे, करवा चौथ का ही सामान लेना था, जो पूजा वगैरह का सामान था वही मैं लेकर आई थी, तो उसी के चक्कर में हम लोगों ने बाइक को इधर दूसरी साइड खड़ा किया, फिर दूसरी साइड हम पैदल गए। अब रोटी बनानी शुरू करते हैं, तो आटा छान लेते हैं। शाम को तो थोड़ी कम ही बनती है रोटियां, 5 या 6 ही रोटी बनती है, क्योंकि अब इन्होंने भी थोड़ी कम ही की हुई है रोटी, और एक नोनी की बनती है, 2 मेरे 2 इनकी। फटाफट से आटा गूंथ देती हूँ मैं, तो खाना बनाने की तैयारी सारी हो चुकी है, आटा भी रेडी हो गया है, और यहाँ मैंने नोनी की दाल ठंडी होने के लिए रख दी है, क्योंकि पहले मैं इसको ही खाना खिला दूंगी तो तब तक इसकी दाल भी ठंडी हो जाएगी। इसके लिए एक रोटी बना देती हूँ और इसको खाना खिला के फ्री कर देती हूँ, बाकी की रोटियां बनाऊंगी इनके आने के बाद ऑफिस से। बन गई है नोनी की एक रोटी। हो गई है नोनी की रोटी, ठंडी कर देती हूँ थोड़ी सी। नोनू खाना खाओ बेटा, जल्दी आओ मम्मा के पास। नोनू नोनू जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आके ये रखा यहाँ पे खाना, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ जल्दी। 7:30 हो गए हैं, मतलब कि 8 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, और अभी ये भी आ जाएंगे तो बाकी की रोटियां बनाऊंगी बाद में। नोनी को भी मैंने खाना खिला दिया है और बस मैं इनके आने का वेट कर रही हूँ, बाकी की रोटियां मतलब थोड़ी देर में बनाऊंगी गर्मा गर्म ही, क्योंकि 4-5 रोटियां बननी होती है, तो क्या ही मैं सोचती हूँ क्या ही बना के रखूँ, साथ के साथ ही बना लूँ गर्म गर्म रोटियां, तो अभी इनके आने का इंतजार हो रहा है।